गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा चैप्टर नंबर 8 यानी लघुगणक के क्वेश्चंस को। इसके पहले ऑलरेडी मैंने लघुगणक के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी फार्मूले होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को लघुगणक के प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगा। मैं लघुगणक के प्रश्नों को इस तरीके से आपको बताऊंगा कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, यदि log x बेस 10 बराबर y हो तो log x स्क्वायर बेस 1000 बराबर है, ऑप्शन नंबर ए आपका है 2y, ऑप्शन नंबर बी आपका है 3y, ऑप्शन नंबर सी आपका है 3/2y और ऑप्शन नंबर डी आपका है 2/3y। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, हमको इसका मान निकालना है। हमको लॉग एक्स बेस 10 का मान वाई दे रखा है। तो ध्यान से देखिएगा इस वैल्यू को, इस वैल्यू को लॉग, अब देखिए 1000 है, 1000 को मैं 1000 को 10 का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 का क्यूब और एक्स स्क्वायर आपका दिया है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। मैंने क्या किया, जो आपका 1000 है उसको मैंने 10 का क्यूब लिख दिया। अब ध्यान से देखेंगे तो जो आपकी यह वैल्यू है इस फार्मूले से एडजस्ट हो सकती है। यहाँ पर इस फार्मूले से आप मैच कराएंगे तो a बराबर आपका मिलेगा 10 और m बराबर आपका मिलेगा 3 और आपका b बराबर दे रखा है x और n बराबर 2। मैंने क्या किया, ये जो आपका वैल्यू आया है इसको मैंने इस फार्मूले से कंपेयर कराया तो a बराबर 10 मिला, m बराबर 3 और b बराबर 1 और n बराबर 2। मैं इसलिए लिख रहा हूं जिसके आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो इस फार्मूले के रूप में है यह क्वेश्चन, तो इसको हम लिख सकते हैं n बटे m log b बेस a। तो n का मान कितना है 2 और m का मान कितना है 3, फिर उसके बाद से log b का मान कितना है x और a का मान कितना है, a का मान आपका है 10। यहां तक आपको क्लियर है। मैंने क्या किया, यह जो आपकी वैल्यू है इस फार्मूले के रूप में है तो इस फार्मूला बराबर होता है n अपान m log b बेस a। तो मैंने इसको n अपान m log b बेस a के रूप में लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, log x बेस 10 का मान आपको दे रखा है, log x बेस 10 का मान दे रखा है y। तो इस पूरी वैल्यू के जगह पर, इसके पूरे के जगह हम लिख सकते हैं y, तो आपका 2/3 है ही और इस पूरे के जगह y यूज करेंगे तो 2/3 y आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, यदि x बराबर log a बेस b, y बराबर log b बेस c, z बराबर log c बेस a हो तो x y z का मान है, ऑप्शन नंबर ए आपका है 0, ऑप्शन नंबर बी आपका है 1, ऑप्शन नंबर सी आपका है 2 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 3। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझिएगा, आपको एक्स वाई और जेड का मान दे रखा है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो एक्स का मान क्या दे रखा है, एक्स का मान दे रखा है लॉग ए बेस बी और वाई का मान दे रखा है लॉग बी बेस सी और जेड का मान दे रखा है लॉग सी बेस ए। अब तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा आपको लॉग ए बी सी और बेस आपका ए बी सी। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी और बेस में भी मिलेगा ए बी सी। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था कल की क्लास में कि किसी भी लॉग के यदि फंक्शन यानी फलन और आधार दोनों सेम हो तो उसका मान एक होता है। तो यहां पर देखिएगा, आपका फलन भी एबीसी है और आधार भी एबीसी है तो इसका मान 1 के बराबर हो जाएगा। कल की क्लास में मैंने बताया था कि यदि किसी भी लॉग के, इसको बोलते हैं फलन इंग्लिश में फंक्शन
इसको बोलते हैं बेस और हिंदी में बोलते हैं आधार। तो किसी भी लाग के आधार और फलन दोनों समान होते हैं तो उसका मान एक होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका आधार भी एबीसी है और फलन भी एबीसी है, यानी इसका मान एक होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री आपका है, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स बेसी तथा फाई ऑफ एक्स बराबर लॉग कॉस एक्स बेसी, तो ई पे पावर टू एफ ऑफ एक्स प्लस ई पे पावर टू फाई ऑफ एक्स का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका है जीरो, ऑप्शन नंबर बी आपका है दो, ऑप्शन नंबर सी आपका है चार और ऑप्शन नंबर डी आपका है एक। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं यफ आप यक्ष, यानी कि जो यक्ष जो इसका फलन है वह यक्ष है। यह यफ का मीन्स होता है फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं फलन, तो इसको बोलते हैं फलन आप यक्ष, या इंग्लिश में बोलेंगे तो यफ आप यक्ष बराबर लॉग साइन एक्स बेसी दे रखा है, और इसको बोलते हैं फाई, फाई एक्स बराबर लॉग कॉस एक्स और बेस ई। आपको ई पे पावर टू एफ ऑफ एक्स प्लस ई पे पावर टू फाई ऑफ एक्स का मान निकालना है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या है दोस्तों, ई पे पावर टू है, एफ ऑफ एक्स का मान क्या है उसको रख दीजिए, एफ ऑफ एक्स का मान है लॉग ई और साइन एक्स, फिर प्लस ई पे पावर टू है, फाई ऑफ एक्स का मान कितना है, फाई ऑफ एक्स का मान है लॉग कॉस एक्स और बेसी। यहां तक क्लियर है? मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स का मान और फाई ऑफ एक्स का मान रख दिया। अब देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको कल की क्लास में फार्मूला बताया था कि लॉग एम पे पावर एन का जो मान होता है एन लॉग एम के बराबर होता है। तो यहां पर देखिएगा एन लॉग एम के रूप में दे रखा है, यानी कि दो है या पावर में हो सकता है। देखिएगा ध्यान से, टू लॉग साइन एक्स बेसी दिया है, यानी इस रूप में दिया है, मैं इसको इस रूप में लिख लेता हूं। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहां से आपका हो जाएगा ई पे पावर लॉग ई साइन स्क्वायर एक्स, यह अब आपका इस फॉर्म में आ गया। अब इस फॉर्म से यदि आप इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो यही वैल्यू आपका आ जाएगा। तो ध्यान से समझना है आपको, आपको n log m के रूप में दिया है, मैंने क्या किया log m पर पावर n लिख दिया। सेम टू सेम यहां पर भी करेंगे तो e पे पावर log e cos स्क्वायर x हो जाएगा। इतनी सी बात आपको क्लियर है? अब देखिएगा, यहां पर e पे पावर log e sin स्क्वायर x है प्लस e पे पावर log e cos स्क्वायर x है, दोनों के देखिएगा e यहाँ पर भी है, e यहाँ पर भी है, log e log e, यानी कि दोनों के आप देख रहे हैं कि बेस समान है, तो इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x, यानी ये, यानी कि कहने का सेंस ये है जब दोनों के बेस समान होते हैं तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां से मिला sin स्क्वायर x और यहां से मिला cos स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर एक्स धन कॉस स्क्वायर एक्स का मान एक होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर आपका है, लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस सी इंटू लॉग सी बेस ए का मान है। चार ऑप्शन आपको दे रखा है। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा क्या, लॉग ए बी सी, तो ए बी सी और आधार में क्या मिलेगा, ए बी सी, तो इसको भी लिख लीजिए ए बी सी, तो लॉग ए बी सी और ए बी सी, यानी कि आपका फार्मूला काम करेगा कि जब लॉग ए और बेस ए, यानी आधार और फलन दोनों समान हो तो उसका मान एक होता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि आधार और फलन दोनों समान है, यानी इसका मान एक होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव आपका है, लॉग नाइन बेस ए बराबर टू लॉग एट बेस बी बराबर तीन हो, तो लॉग बी बेस ए है
कितना महत्वपूर्ण और कितना इंपॉर्टेंट है, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से हर एक क्वेश्चन को तवज्जो दीजिएगा और हर एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर लॉग 9 बेस ए का मान 2 दे रखा है, लॉग 8 बेस बी का मान 3 दे रखा है, आपको लॉग बी बेस ए का मान निकालना है। तो प्यारे दोस्तों, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ए पे पावर एम बराबर एक्स हो तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग ए, आपका लॉग एक्स बेस ए बराबर एम होता है। यदि ए पे पावर एम का मान एक्स के बराबर हो तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स बेस ए बराबर एम, यानी कि आपका जो यह मान है इस रूप में दिया है, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इस रूप में। तो यहां से ध्यान से आपको समझना है, तो यदि आप इसको इससे कंपेयर कराएंगे तो ए का मान तो ए ही है, यदि मैं बात करूं एक्स का मान तो एक्स का मान यहां से 9 मिलेगा आपको, और एम का मान कितना है, एम का मान 2। तो इसके रूप में कन्वर्ट करना है, मेरा जो यह क्वेश्चन है इस रूप में है, मैं इस रूप में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो ए पे पावर एम, तो ए का मान ए ही है और एम का मान आपका 2 है, बराबर एक्स होता है, एक्स का मान आपका है 9। अब जैसा मैंने इसको कन्वर्ट किया इसमें, सेम टू सेम यही फार्मूला इसमें भी काम करेगा, आपका यह भी वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, इसको मैं इस रूप में लिखूंगा। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ए का जो मान है वह बी है और एक्स का जो मान है वो आपका है 8 और एम का मान आपका है 3। तो ए पे पावर एम बराबर एक्स, तो ए का मान है आपका बी, पर पावर एम का मान है 3 और एक्स का मान आपका है 8। इतनी सी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, ए का स्क्वायर बराबर 9 है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब तुलना करने पर ए बराबर क्या मिल जाएगा, 3। अब तुलना क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिएगा दोनों के घातांक सेम है, इसलिए मैंने तुलना किया तो ए का मान 3 निकला। अब यहां से देखिएगा बी क्यू बराबर 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अब इसमें भी देखिएगा दोनों के घातांक समान है, यानी बी का मान यहाँ से आपको मिल जाएगा 2। यहां तक क्लियर है, हमको निकालना है लॉग बी बेस ए का, तो लॉग बी का मान आपका है 2 और बेस ए यानी ए का मान है 3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, यदि 2 लॉग m बेस 8 बराबर p और लॉग 2m बेस 2 बराबर q और q माइनस p बराबर 4 हो तो m का मान है 4। ऑप्शन आपको दे रखा है, यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को प्यारे दोस्तों लास्ट में सॉल्व करेंगे, आज की ही क्लास में, यानी इसी क्लास में लास्ट में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कुछ अच्छे अच्छे और आसान आसान क्वेश्चन को सॉल्व करके माहौल बनाते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा टफ है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में सॉल्व करवाऊंगा। सबसे पहले एक पढ़ाई का माहौल बनाते हैं, इसलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन आपका है लॉग 2 बराबर 0.30103, तो लॉग 200 का मान होगा, 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा प्यारे दोस्तों, लॉग 2 का मान 0.30103 दे रखा है, लॉग 200 का मान आपको निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा, लॉग 200 है तो लॉग 200 को हम लिख सकते हैं 2 × 10^2। 10^2 करेंगे तो 100 मिलेगा, और 100 का गुणा 2 में करेंगे तो 200 मिलेगा। मैंने 200 को गुणनखंड कर दिया, तो 2 × 10^2, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 मिलेगा, 100 का गुणा 2 में करेंगे 200 मिलेगा। अब देखिएगा, मैंने एक आपको फार्मूला बताया था, मैंने आपको बताया था कि लॉग m इंटू n और बेस a हो तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस हो, यानी कि यदि यह मल्टीपल के रूप में हो तो इसको हम प्लस के रूप में लिख सकते हैं। तो सेम फार्मूला, यही फार्मूला मैं यहां पर लागू करूंगा, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 2 प्लस लॉग 10 का स्क्वायर,
ठीक, इतनी सी बात क्लियर है। मैंने यही फार्मूला यूज किया, मल्टीपल के रूप में था, मैंने इसको प्लस में तोड़ दिया। ठीक, अब देखिएगा लॉग टू का मान आपको दे रखा है 0.30103 प्लस का। अब देखिए लॉग 10 का स्क्वायर है, यानी कि आपको लॉग यम पर पावर एन का रूप दिया है। इसको हम लिख सकते हैं यन लॉग यम, ये जो वैल्यू आपका है इस रूप में है लॉग एम पे पावर एन, तो इसको एन लॉग एम लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 log 10। अब देखिएगा ये आपका इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान आपका है 0.3010, इसका जो मान है आपका सेम रहेगा, यानी 0.30103 ही रहेगा। अब देखिएगा टू, मैंने आपको बताया था यदि किसी भी लॉग का आधार नहीं दिया हो, बेस नहीं दिया हो, तो उसको हम 10 मान लेते हैं, यानी लॉग 10 बेस 10 का मान कितना हो जाएगा, 1। कैसे? मैंने आपको अभी बताया था कि जब आधार और फलन दोनों समान होते हैं तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा आधार और फलन दोनों समान है, यानी इसका मान 1, यानी यहां से आपको मिलेगा 2 × 1। अब देखिएगा 0.30103 ये हो गया, अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, अब जोड़ दीजिए तो कितना मिलेगा 2.30103, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है लॉग 2 पर पावर x धन 2 बराबर लॉग 16, तो x का मान होगा 4। ऑप्शन आपको दे रखा है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। लॉग 2 पर पावर x धन 2 है, तो यह जो आपका वैल्यू है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे आपको फार्मूला पता है कि लॉग m पर पावर n हो तो इसको n लॉग m लिख सकते हैं, यानी कि जो यह आपका मान है इस रूप में दिया है लॉग m पर पावर n के रूप में, मैं इसको n लॉग m लिखता हूं, तो n का मान कितना है, n का मान आपका है x धन 2, उसके बाद से log m का मान कितना है, m का मान आपका है 2। यहां तक क्लियर है? क्या मैंने किया, यह जो वैल्यू आपका है इस रूप में दिया था, मैंने फार्मूले से इस रूप को इस रूप में चेंज किया, यानी log m पर पावर n, log m पर पावर n, इसको n log और m का मान 2 रख दिया। अब देखिएगा log 16 है, तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पर पावर 4। 16 को मैं लिख सकता हूं 2 पे पावर 4। देखिएगा 2 × 4 × 8 × 16। अब देखिए ये भी आपका लॉग यम पर पावर एन के रूप में हो गया, तो इसको भी यन लॉग यम लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं, एक्स धन 2 लॉग 2 बराबर ये आपका लॉग यम पर पावर एन, तो इसको लिख सकते हैं यन यानी 4 लॉग यम। यहां तक क्लियर है? m का मान कितना है 2, तो यहां पर 2 रख देते हैं। अब देखिएगा log 2 इधर भी है, log 2 इधर भी है, तो कैंसिल होगा, तो x धन 2 बराबर आपको मिल जाएगा 4, तो x बराबर कितना मिल जाएगा 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यदि आपको लघुगणक के फार्मूला पता हो तो ऐसे क्वेश्चन को आप 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है यदि 3 log x base 8 बराबर 2 हो तो x का मान है 4। ऑप्शन आपको दे रखा है, तो ध्यान से समझिएगा, आपको 3 log x base 8 का मान 2 दे रखा है, x का मान निकालना है, तो log 2 base सॉरी log x और बेस 8 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3/3 में जाएगा, यानी 2/3 हम लिख सकते हैं। अब देखिएगा यह जो आपकी वैल्यू है इस रूप में दिया है, यानी यह जो आपकी वैल्यू है इस रूप में दिया है, मैं इसको इस रूप में चेंज करूंगा, तो करते हैं, ध्यान से समझिएगा, यानी log x बेस a बराबर m हो तो इसको हम लिख सकते हैं a पे पावर m बराबर x। यहां पर a का मान कितना है, यहां पर a का मान क्या है 8, उसके बाद से m का मान यहां पर कितना है, m का मान है 2/3, तो 2/3 लिख दिया, बराबर x का मान कितना है, x का मान x ही है, तो सॉल्व कर दीजिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 और पावर आपका है 2/3, तो यहां से x बराबर क्या आ
यानी यक्ष का मान 4 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, यदि log x plus y base 5 बराबर 8 तथा log 4 base 3 plus log x base 3 plus log y base 3 बराबर 2 हो तो x एवं y का मान क्रमशः है। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा और आराम से समझिएगा। देखिएगा यह जो वैल्यू आपका है इस रूप में दिया है, यह जो वैल्यू आपका है इस रूप में दिया है, मैं इसको इस रूप में चेंज करूंगा तो ध्यान से समझिएगा। तो इस वैल्यू को इस रूप में, यानी कि यह जो वैल्यू आपका है इस रूप में दिया है, मैं इसको इस रूप में लिखूंगा तो आपका हो जाएगा 5 पर पावर 1 बराबर एक्स धन वाई। अब यहां से एक्स धन वाई बराबर आपको मिल जाएगा 5। इसको हम मान लीजिए समीकरण नंबर 1, यह आपको क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए इसका भी आधार 3, इसका भी आधार 3, इसका भी आधार 3, तो इसको हम लिख सकते हैं लाग 4 गुणे x गुणे y करेंगे तो 4xy और बेस 3 बराबर 2। यह कैसे आया, यहां से यहां कैसे आया, देखिए आपका फार्मूला होता है लाग m इंटू n इंटू o और बेस आपका r हो, तो इसको हम लिख सकते हैं लाग m बेस r प्लस लाग n बेस r प्लस लाग o और बेस r। यानी कि यह जो पूरी वैल्यू आपका है इस रूप में दिया था, मैंने इसको समराइज कर दिया इस रूप में, ठीक। अब आपको क्लियर है, अब ये जो वैल्यू आपकी है इस रूप में दिया है, इसको भी इस रूप में चेंज करेंगे तो लाग x बेस a बराबर m होता है, तो उसको लिख सकते a पर पावर m बराबर x, a का मान है 3 पर पावर m, m का मान कितना है 2। इस वैल्यू को आपको इससे कंपेयर कराना है, ध्यान में रखिएगा, ठीक। बराबर आपका होता है x, तो x का मान कितना है 4xy, यानी यहां से आपको 4xy बराबर मिल गया 9। यह आपको क्लियर है, इसको हम मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा ध्यान से, आपको यदि x माइनस वाई का मान पता चल जाए तो आप x और y का मान निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का आपका होता है 4xy। इसका मान नहीं पता है तो ऐसे ही रखते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का मान है 5, अब 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, माइनस 4xy का मान है 16, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर आपको 16 मिल गया, तो यहां से आपको x माइनस वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 16 है तो दोनों, तो x माइनस वाई का मान 4 मिल जाएगा। इसको हम मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 मिल गया समीकरण 2, अब सॉल्व करके निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, यानी समीकरण 1 और 2 जोड़ेंगे, 1 आपका है x प्लस वाई बराबर 5 और 2 आपका है x माइनस वाई बराबर 4। यहां से देखिएगा ध्यान से ax आपका हो जाएगा 2x प्लस y माइनस y कैंसिल होगा, बराबर आपका हो जाएगा 9, तो यहां से आपको मिल जाएगा x बराबर 9/2, x का मान हमने निकाल लिया 9/2। अब x का मान समीकरण 1 में रख के y का मान निकाल लीजिए, तो x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो 9/2 प्लस का y बराबर आपका है 5, तो यहां से y बराबर मिल जाएगा 5 माइनस 9/2, इसको आप सॉल्व करेंगे 5 9 10 में से 9 1/2, यानी y का मान आपने निकाल लिया 1/2। इस तरीके से x का मान 9/2 और y का मान 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, यदि log x स्क्वायर प्लस 2x बेस 4 माइनस log x प्लस 2 बेस 4 बराबर 2 हो तो, 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर log x स्क्वायर प्लस 2x बेस 4 माइनस log x प्लस 2 बेस 4 बराबर 2 दे रखा है, यानी कि यह जो पूरी वैल्यू आपका है इस रूप में दे रखा है, यह जो पूरी वैल्यू आपका है इस रूप में दे रखा है, मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूँ, क्यों,
क्योंकि देख रहे हैं कि बेस जो है समान है, यहाँ पर भी चार है यहाँ पर भी चार है, तो लॉग m माइनस लॉग n है, तो इसको लिख सकते हैं लॉग m बटे n, तो बेस कितना है चार, और देखिएगा m का मान कितना है x स्क्वायर प्लस का 2x बटे n का मान है आपका x प्लस 2 और बराबर आपका हो जाएगा 2। इतनी सी बात आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया log m माइनस log n के रूप में दिया था, log m माइनस log n का मान होता है log m बटे n, तो वही मैंने log m बटे n लिख दिया। अब देखिएगा log 4 ऊपर देखिएगा x कॉमन है तो ब्रैकेट में मिलेगा आपको x प्लस 2 और नीचे आपका x प्लस 2 दिया ही है बराबर हो जाएगा 2, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, यानी आपको मिलेगा log x बेस 4 बराबर आपको मिल जाएगा 2। यहां तक क्लियर है। अब देखिएगा एक आपका फार्मूला होता है, एक आपका फार्मूला होता है a पे पावर x बराबर यदि m होता है, सॉरी आपका फार्मूला होता है a पे पावर m बराबर x होता है, तो इसको लिख सकते हैं log x बेस a बराबर m। ठीक, अब जो आपका यह वैल्यू है इस रूप में दिया है, मैं इसको इस रूप में चेंज करूंगा, तो ध्यान से समझिएगा x का मान x ही है और 4 किसका मान है a का, तो a बराबर आपका 4 है और m बराबर आपका 2 है, तो यह वैल्यू इस रूप में है, इसको मैं इस रूप में चेंज करूंगा a पर पावर m, a का मान कितना है 4 पर पावर m, m का मान है 2 बराबर x, यानी x का मान यहां कितना आएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा x बराबर 16, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपका है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 7 ए बी हो तो लॉग ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 3 का मान है, चार ऑप्शन आपको दे रखा है। जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 12 है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 13 भी है, तो ध्यान से आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 को समझिएगा जिससे आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 को आसानी से सॉल्व कर सके, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 दोनों सेम कॉन्सेप्ट पर है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 7 ए बी दे दिया है, तो सबसे पहले इस वैल्यू को आपको एक फार्मूला का रूप देना होगा, तो यहाँ पर देखिएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर दिया है, यानी कि अगर हमको 2ab मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, तो करेंगे क्या दोनों तरफ 2ab जोड़ेंगे, तो इधर भी मैं 2ab जोड़ देता हूं और इधर भी 2ab, यानी 7ab पहले से ही है, इसमें 2ab जोड़ दिया। मैंने क्या किया इस वैल्यू को एक फार्मूला का रूप देने के लिए दोनों तरफ 2ab और 2ab जोड़ दिया। ठीक, अब आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखिए 7ab और 2ab 9ab आपका हो जाएगा। अब देखिएगा a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 9ab को क्या लिख सकते हैं 3 करणी में ab का स्क्वायर। ठीक, देखिएगा ध्यान से 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर यानी 3, और देखिए करणी में ab है तो करणी में ab का स्क्वायर करेंगे तो आपको यही वैल्यू आएगा। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और करणी में ab का स्क्वायर करेंगे तो ab मिल जाएगा। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। अब देखिएगा कंपेयर करेंगे, कंपेयर क्यों करते हैं क्योंकि दोनों के घातांक सेम है, यहाँ पर भी घात 2 है यहाँ पर भी घात 2, यानी a प्लस बी का जो मान आपको मिल जाएगा वो आपको मिल जाएगा 3 करणी के अंदर ab। यहाँ तक आपको क्लियर है, हमको मान निकालना है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 3 का, तो 3 को भी नीचे लाते हैं यानी a प्लस बी डिवाइडेड बाई 3 बराबर आपको मिल जाएगा करणी के अंदर ab। यहाँ तक आपको सारी बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अब देखिएगा अब आगे भी सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 3, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 3 करणी में ab को हम लिख सकते हैं ab पर पावर 1/2, क्योंकि जो करणी होता है इसके बाहर 2 होता है, जब इसको करणी से बाहर निकालेंगे तो ab पर पावर 1/2 आपका हो जाएगा।
अब दोनों पक्षों को लाग लेने पर तो दोनों पक्षों में लाग लेने पर, ठीक, अब दोनों पक्षों में लाग लेते हैं तो मिलेगा आपको लाग ए प्लस बी डिवाइडेड बाय थ्री बराबर लाग आपका हो जाएगा ए बी पर पावर एक बट्टा दो। अब देखिएगा ध्यान से, आपको इसका मान निकालना है यानी इसको हम सॉल्व कर ले हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए लॉग m पर पावर n है, यह जो वैल्यू है लॉग m पर पावर n के रूप में दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n लॉग m यानी आपका हो जाएगा n लॉग m, n का मान आपका एक बट्टा दो लॉग और m का मान क्या हो जाएगा a इंटू का b। यहां तक क्लियर है? यह देखिएगा आपका लॉग यम पर पावर एन के रूप में दिया है लॉग यम पर पावर एन, इसको हम लिख सकते हैं एन लॉग यम। तो यही फार्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया, लॉग यम पर पावर एन को एन लॉग यम में लिख दिया। अब देखिएगा एक बट्टे दो, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जब दो वैल्यू गुणे के रूप में है तो उसको हम अलग अलग जोड़ के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए तो हो जाएगा आपका लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक, इसको यहां तक लिख सकते हैं या एक बटे दो का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आपका जो आंसर दिया है वह किस रूप में दिया है। तो आपका जो आंसर दिया है इसी रूप में दिया है, इस तरीके से जो आपका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 को समझाया, सेम कॉन्सेप्ट पर आपको क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व करना है। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, यदि ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर बराबर 12 ए बी हो तो लॉग ब्रैकेट में ए प्लस टू बी बराबर है। चार ऑप्शन आपको दे रखा है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करवाया, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको एक फार्मूला का रूप देना होगा। तो यहाँ पर आपका है ए स्क्वायर फोर बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं टू बी का होल स्क्वायर, यानी आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। यदि हमको टू ए बी मिल जाए तो टू ए बी के लिए क्या चाहिए, हमको चाहिए दो, ए का मान ए और बी का मान टू बी, यानी कि देखिए कितना हमको चाहिए, दो दुना चार ए बी, यानी कि हमको चार ए बी मिल जाए तो हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो क्या करेंगे, इस तरफ भी चार ए बी जोड़ेंगे और इस तरफ भी चार ए बी। तो इस तरफ तो चार ए बी मैंने जोड़ दिया, इस तरफ भी जोड़ लेते हैं। तो आपका है 12 ए बी और प्लस का चार ए बी जोड़ दिया। ठीक, मैंने क्या किया, इधर भी चार ए बी जोड़ दिया। देखिएगा गुणा कराएंगे चार ए बी मिलेगा, दो दुना चार ए बी, यानी दोनों पक्षों में चार ए बी जोड़ दिया। अब देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, b का मान है 2b, इसका स्क्वायर बराबर 12 ab और 4 ab जोड़ेंगे तो 16 ab हो जाएगा। अब देखिएगा a प्लस 2b का होल स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 16 ab को लिख सकते हैं चार करणी के अंदर ab का स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे यही मिलेगा, चार का स्क्वायर करेंगे 16, करणी में एबी का स्क्वायर करेंगे एबी मिलेगा। ठीक, अब देखिए दोनों के घातांक सेम है तो तुलना करने पर आपको ए प्लस टू बी का मान मिल जाएगा चार और करणी के अंदर एबी। अब आपको देखिए क्या मान निकालना है, आपको निकालना है लॉग ए प्लस टू बी का मान, यानी इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो लिखेंगे दोनों पक्षों में लाग लेने पर, दोनों पक्षों में लाग लेते हैं तो आपका हो जाएगा लाग a प्लस का 2b बराबर आपका हो जाएगा लाग 4 अकरणी के अंदर ab। यहां तक आपको क्लियर है? अब ध्यान से आगे समझिएगा, आपका लाग a प्लस 2b, अब देखिएगा ये आपका लॉग 4 करणी के अंदर ए बी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी लॉग यम इंटू एन के रूप में है, लॉग यम इंटू एन के रूप में है तो लॉग यम इंटू एन को हम लिखते हैं लॉग यम प्लस लॉग एन, तो यही लिख लेते हैं। तो लॉग
यम का मान आपका है 4 प्लस लॉग एन का मान है करणी के अंदर एक। यहां तक क्लियर है? अब देखिएगा यहां से ध्यान से समझिए, इसका वैल्यू निकालना है। लॉग 4 को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस। अब देखिएगा लॉग करणी में ए भी है तो इसको करणी से बाहर निकालेंगे तो पावर आपका 1/2 आएगा, यानी ए बी पर पावर आपका 1/2 होगा। ठीक, यहां तक क्लियर है? अब देखिए ए आपका लॉग एम पर पावर एन के रूप में, किसके रूप में है, लॉग एम पर पावर एन। लॉग एम पर पावर एन का फार्मूला होता है एन लॉग एम यानी 2 log 2 आपका हो जाएगा प्लस। अब देखिए लॉग एम पर पावर एन के रूप में ए भी है तो इसको लिख सकते हैं लॉग एम पर पावर एन को हम क्या लिख सकते हैं, एन लॉग एम, एन का मान 1/2 और लॉग एम का मान आपका है ए इंटू का बी। अब देखिएगा यहां से आपका 2 log 2 रहेगा ही। अब देखिएगा 1/2, अब आपका log a into b, log a into b, कल मैंने आपको पहला ही फार्मूला या दूसरा फार्मूला बताया था कि जब log में a into b हो तो इसको हम लिख सकते हैं log a plus log b, तो इसको लिख लेते हैं log a plus log b। यहां तक आपको क्लियर है? अब देखिएगा ध्यान से, अब आपको 1/2 पूरे से कॉमन लेना है, यहां से भी 1/2 कॉमन लेना है, यहां से भी 1/2 कॉमन लेना है, तो 1/2 कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 log 2 और यहां से 1/2 कॉमन होगा तो यही घर बचेगा, यानी मिलेगा log a प्लस का log b, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चेक करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप चेक करेंगे कि कोई भी ऑप्शन 1/2 4 log 2 log a प्लस log b दिया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको आज की क्लास में बताया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक के सारे प्रश्नों का सलूशन। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल की क्लास में मैं आपको आगे के प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओटी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले धन्यवाद।